महाराष्ट्र में मिशन बिगन अगेन के तहत जो है आज से सिनेमा हॉल और थिएटर को खोले जाने की अनुमति मिल गई है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करके कहा है कि महज 50% के साथ आज से थिएटर और सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने ये भी गाइडलाइन में जारी किया है कि लोग जो है अगर सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए तो एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। थिएटर जो है लगभग 6 से 7 महीने से बंद था और आज से खोले जा रहे हैं। ऐसे में हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है, अगर थिएटर आज से खुल रहे हैं तो क्या वो मूवी लगेगी, तो क्या मूवी देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। खुलना चाहिए तो क्या है, पब्लिक बाहर निकलेगी और आदमी लोग को काम मिलेगा और उसके हिसाब से गाड़ी पटरी पे आएगी आहिस्ता आहिस्ता, बस तो होना चाहिए, अच्छा है। और रेलवे लोकल भी खुलना चाहिए, जो भी बंद है एक्स्ट्रा जेट सब खुलना चाहिए, तो पब्लिक आएगी और काम धंधा मिलेगा आदमी लोग को। अभी ऐसा आदमी लोग बहुत फ्री घूम रहे, काम नहीं है, आधा सैलरी हो गया आदमी लोग का, तो बहुत तकलीफ है। जाएंगे ना, जाएंगे ना, हाँ जाएंगे जाएंगे, जो गवर्नमेंट का रहेगा रूल्स और लाइक उसके हिसाब से खुलना चाहिए, तो होना चाहिए, ज़रूरी है, ऐसा सही है, फैसला सही है, खुलना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। पर मेन बात ये है कि धंधा पानी उससे बहुत कम है और पब्लिक जितना भी है वो सब घर पे बैठी है, समझो ट्रेन नहीं है चालू तो भी तकलीफ है, और ये सब ट्रेन नहीं चालू होएगी तो समझो बोरीवली जाने वाले आदमी गोरेगांव से सर्विस करने नहीं जा सकता है, उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ तो जाएंगे ना, पर सोशल डिस्टेंस रखेंगे, जाएंगे। आई वोंट से इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट द थिंग इज़ नाउ मूवीज एंड ऑल सीरीज एंड ऑल आर अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड देन अमेज़न प्राइम एंड ऑल, सो आई थिंक दैट इज़ मोर कम्फर्टेबल फॉर अस विदाउट गेटिंग इन्फेक्टेड और एनी थिंग। मोस्टली नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं अलाउ करेंगे, दैट्स द मेन रीज़न आई थिंक। क्या बोलते हैं, अगर वही जो पिक्चर्स थिएटर्स में अवेलेबल है, अगर वही कॉस्ट पे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे थिएटर्स में जाना रिस्क भी है ना, और घर बैठे बैठे का रिस्क कुछ है नहीं, तो अपन मोस्ट ऑफ द घर पे बैठ के देखना प्रीफर करना चाहिए। तो आप थिएटर में जाएंगे मूवी? बोला ना, अगर वही कॉस्ट पे घर पे नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम जो भी उस पे मिल रहे तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं जाऊँगा। कि सुना अपने कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट के इस फैसले से वो सहमत है, तो वहीं कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है कि COVID-19 के सिचुएशन में इस तरह का थिएटर और मॉल थिएटर ओपन करना उन्हें सही नहीं लगता है। और वहीं पे कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें जो है घर पे OTT प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स या अमेजोन के ज़रिए वो सीरीज़ वगैरह देख लेते हैं। ऐसे में COVID-19 के सिचुएशन में अगर थिएटर ओपन होते हैं तो वो लोग जो है नहीं जाएंगे मूवी देखने के लिए। कुछ लोगों ने सहमति दिखाई तो वहीं कुछ लोगों ने असहमति भी दिखाई सरकार के इस फैसले पे। HM News के लिए सहिता शर्मा की रिपोर्ट।